कैसे हैं आप लोग सोनाली गुंजन व्लॉग देखने वाले। आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट, जहाँ पे मिलेंगी सस्ते में कार। हर एक इंसान का सपना होता है एक कार खरीदने का, और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं कार की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट। यहाँ पे मिलने वाली है बहुत सस्ते में कार, और अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। एक से एक बेहतरीन कार हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे ऑनर से भी। दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे कारें मिलेगी आपको बहुत सस्ते में, और सेकेंड हैंड कार आपको बेचनी हो, खरीदनी हो या एक्सचेंज करना हो तो सीधा आप यहाँ पे आ जाइए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पर भी चल रहा है, तो फिर देर किस बात का। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कार किस किस तरह के हैं यहाँ पे। और सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। आइए हम दिखाते हैं कुछ गाड़ियाँ आपको, किस किस तरह की गाड़ी है। ये सर मात्र 1 लाख रुपए की गाड़ी है ये। वाह, ये देखिए इस तरह की गाड़ी आप ले सकते हैं 1 लाख रुपये। CNG किट है सर। ओके, तो ये गाड़ी आप मात्र 1 लाख रुपये में यहाँ से ले सकते हैं इस तरह की। और आपके पास 50,000 रुपये भी हो तो गाड़ी यहाँ पर बुक करवा सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह की गाड़ी है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और इस तरह की खूबसूरत गाड़ियाँ ले सकते हैं। सबसे लो प्राइस में है सर ये गाड़ी जी। मार्केट सर किस दिन खुली होती है? हमेशा वनडे है या सर वेडनेसडे को क्लोज होती है? वेडनेसडे क्लोज होता है, तो वेडनेसडे को मत आइएगा, इसके अलावा कभी भी यहाँ पे आ जाइए। और मेन रिंग रोड है सर, आउटर रिंग रोड है सर, आउटर रिंग रोड है, यहाँ पे इनकी दुकानें हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी की मार्केट है, बट इनके पास जो गाड़ियाँ हैं बहुत ही जेन्युइन कीमत में मिल जाएगी आपको। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा अंदर से आपको ये गाड़ी, और सीट वगैरह जितनी भी हैं सारी अच्छी कंडीशन में हैं। ये देखिए अगर पीछे की मैं दिखाऊं आपको बैक साइड में तो भी ये देख सकते हैं ये सारी कंडीशन है सीट वगैरह की। फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखने वाला है ये गाड़ी, तो इस तरह की ढेरों सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे। और अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो बेस्ट जगह है जहाँ से आप ले सकते हैं। आस्किंग प्राइस है इसका 3 लाख रुपया, और मिनिमम 50,000 रुपये में आप इसे बुक करा सकते हैं। ये 99,000 चली है सर। 99,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। और मॉडल क्या है सर? ये 2013 मॉडल है। 2013 सिंगल ओनर है। ओके, गुड कंडीशन है जी, हर चीज़ वर्किंग है, पावर ब्रेक, पावर स्टेयरिंग सिस्टम बढ़िया है जी। क्या रेट रखी है सर आस्किंग प्राइस? 3,25 रखा हुआ है, नेगोशिएट हो जाएगा 10-20-15 हज़ार रुपये। ओके, थोड़ा बहुत बार निगोशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3,25,000 की ये गाड़ी है। और अगर अभी आज के रेट में कीमत देखें नई गाड़ी की तो कितनी होगी सर? नई गाड़ी तो 12-13 लाख रुपये, 12-13 लाख रुपये की है। और यहाँ पे आपको 3 लाख के आसपास में ये गाड़ी मिलने वाली है, स्कोडा रैपिड। स्कोडा रैपिड ये देखिए इस तरह की, और पीछे का जो सीट है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरह का दिखने वाला है, तो अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, बढ़िया इंटीरियर है जी, तो सही कंडीशन में है। तो इस तरह की गाड़ियां लेने की अगर सोच रहे हैं तो कम बजट में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं ये वाली गाड़ी आपको, जो ये सामने देखिए आ गई है गाड़ी, और दिखाते हैं क्या कंडीशन है गाड़ी की। आइए बलविंदर जी हैं जो जानते हैं इनसे किस तरह की गाड़ी है, क्या मॉडल वगैरह है, सर बताएं क्या कंडीशन है। 2011 गाड़ी है, 2011 फॉर्च्यूनर है, 4x4। ओके, गुड कंडीशन में गाड़ी है जी। इसकी रेंज जो देखे 10 लाख के नियर बोर्ड है। ठीक है, हाँ जी। अभी क्या रेट रखा है सर आपने इसका? सर 10 लाख की डिमांड है गाड़ी की जी, जो नेगोशिएट है। ओके, हाँ 81,000 चली हुई है गाड़ी। 81,000, हाँ यार, सिंगल ओनर है। ठीक है, गाड़ी गुड कंडीशन, अंदर की दिखा देते हैं आपको क्या कंडीशन है गाड़ी की। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का अंदर से दिखने वाला है आपको। वाओ, पता ही नहीं चल रहा है गाड़ी यूज चला है कि नहीं चला है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये वाला भी दिखता है, ये मैं पीछे का भी दिखाता हूँ आपको जो बैक की है। वाओ, ये देखिए वेरी गुड कंडीशन, बहुत बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है ये आपकी। और जी ये देखिए
सारी फैसिलिटी है। पीछे भी देख सकते हैं, यानी कि 7 सीटर गाड़ी है, और ये देखिए पीछे से लेके आगे तक, और डिक्की वगैरह भी सारा ये देखिए, बहुत बढ़िया कंडीशन में आपको मिलने वाली है। गाड़ी आप यहाँ से ले सकते हैं, इसकी लो प्राइस जो कंपनी प्राइस है 40 लाख की है। 40 लाख की गाड़ी है ये, अगर नए में खरीदोगे, नए में खरीदोगे तो 40 लाख की है। इसका 10 लाख के नियर अबाउट है, मात्र 10 लाख रुपए आपने रखा है रेट, थोड़ा बहुत और कम ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की गाड़ियाँ अगर आपको लेनी हो तो यहाँ पे आ जाइएगा, मैं पूरा एक व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की गाड़ियाँ हैं, ये देखिए सामने से कुछ इस तरह का दिखेगा, तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं यहाँ पे। 7 सीटर ये गाड़ी जो 40 लाख रुपए कीमत की है यहाँ पे मिलने वाली है आपको 10 लाख रुपए में। फाइनेंस पूरी है, बैंक से फाइनेंस हो जाएगी आपकी गाड़ी। ओके, HDFC ICICI पूरी फैसिलिटी है हमारे पास। ओके सर, ये लोग बोलते हैं कि जो है एक्सीडेंट वाली गाड़ी, ये लोग नो ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई जो भी होगा जेन्युइन चीज, जेन्युइन चीज, अच्छी रिटेल में गाड़ी मिलेगी मैक्सिमम प्राइस में। ओके सर, कोई आना चाहता है इस मार्केट में तो कैसे आए आपके दुकान पर? सर आप जहाँ भी है, CRP कैंप मेन रोड के ऊपर आउटर रिंग रोड है, हमारी शॉप है, SM कार है, 25 नंबर पिलर के सामने। ये है होंडा की गाड़ी है, ये देख सकते हैं ब्रियो, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, देखने से पता भी नहीं चलेगा आपको भी यूज है, बट सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं ये सारी जो देख रहे हैं आप। सर क्या मॉडल वगैरह है, क्या प्राइस वगैरह इसकी रखी है आपने? 3.5 लाख 2012। ओके, और नई गाड़ी में अभी अगर कॉस्ट देखें कितनी भी आ रही होगी सर? 7.5-8 लाख की गाड़ी है, और यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए में ये गाड़ी मिलने वाली है, और अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपया भी हो तो फाइनेंस आपका हो जाएगा। HDFC की गाड़ी है इस तरह की, और कंडीशन क्या है सर, कौन सा मॉडल है ये? 2008 ये देखिए 2008 का मॉडल है, और क्या आस्किंग प्राइस क्या रखी है सर? 2 लाख। ये 2 लाख रुपये इनकी आस्किंग प्राइस है, और गाड़ी की जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ थोड़ी सी आपको। ये देखिए ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखिए इस तरह की आपको मिलने वाली है यहाँ पे गाड़ी, और 2 लाख रुपये आस्किंग प्राइस है, जो भी बेस्ट प्राइस होगी आपको मिल जाएगी। इस तरह की गाड़ी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। मैं आपको लेके आया हूँ विकासपुरी, और ये आउटर रिंग रोड में है, बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे मिलने वाली है आपको कार। अगर आपका कम बजट है और आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, तो आप कम कीमत में यहाँ पे कार खरीद सकते हैं। एक से एक कार यहाँ पे मिलेगी आपको, लो रेंज से हाई रेंज तक। लग्जरी कार चाहिए तो भी आप ले सकते हैं बहुत ही कम बजट में। आज हमारे साथ में बबली जी हैं, जो बबली मोटर्स के ओनर हैं। कार खरीदना चाह रहा हूँ सर, तो किस तरह के कार होते हैं आपके पास? हर तरीके का कार होता है हमारे पास, छोटी से बड़ी तक सेकंड हैंड में हर गाड़ी होती है, कार, वैन, सेंट्रो, फोर व्हीलर की बात करें तो सारी गाड़ी, फोर व्हीलर में सारी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर, जैसी गाड़ी चाहिए आपको वैसी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। ओके, यानी इकोनॉमिकल रेंज से लग्जरी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी यहाँ पे मिलने वाली है। सर कोई बाहर का है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट से हैं, तो वहाँ के लिए भी फैसिलिटी है सर, कार वहाँ से भी खरीद सकता है? फैसिलिटी होती है जी, ऐसा है जो भी बाहर से आता है, जैसे NCR से आया या स्टेट बाई चांस आया, जी जी स्टेट से आया, तो उसके लिए हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए उसके स्टेट के, जी उसके नाम कैर ऑफ हो जाती है गाड़ी और चली जाती है। कई लोग के दिमाग में ये होता है कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी होती है, ये होती है, वो होती है, तो पेपर वगैरह पूरी तरीके से पेपर कम्प्लीट होते हैं जी। हम पहले बात तो ऐसे किसी को गाड़ी नहीं देते, गाड़ी देते हैं उसको जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, जिसके नाम गाड़ी हो सके। ओके, अनजान बंदे को किसी को गाड़ी नहीं देते, बिगर डॉक्यूमेंट्स हम गाड़ी नहीं देते। ग्रेट, तो यानी कि पूरी सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको गाड़ी यहाँ से मिलने वाली है, तो जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे मिलने वाली है उसके लिए निश्चिंत रहें, सभी के प्रॉपर पेपर होंगे। सर कोई इसमें गारंटी वारंटी भी होती है कि आफ्टर सेल्स? ऐसा है, गाड़ी की एक्सीडेंटल की गारंटी होती है, जो चीज होगी वही बताई जाएगी, वही निकलेगी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि कहा कुछ है निकला कुछ है, राइट राइट राइट, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास, जो चीज सच्चाई होगी वही बताई जाएगी।
सर अगर गाड़ी की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिसका बजट बहुत कम होता है, जैसे कोई 2-1.5 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे हैं 50,000 रुपया, तो फाइनेंस वगैरह हो जाता है? फाइनेंस वगैरह हो जाता है, पर स्टेट का स्टेट में ही होगा, बाहर वाले स्टेट का नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ओके। और अगर कोई दिल्ली एनसीआर से हो जाएगा, उसका ऐसा होता है कि उसके कोई गारंटी होती है और कोई डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पूरे होंगे तो उसके फाइनेंस भी होगा। ओके। तो कम से कम कितना पैसा हो तो सर बुक करवा सकता है वो आपसे गाड़ी? कम से कम जैसे देखो जी, गाड़ी 2 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए में उसको 60-70 हजार को डाउन पेमेंट देनी देनी। 50-60 हजार रुपए कम से कम चाहिए। तो 50-60 हजार रुपए भी अगर है आपके पास और आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है गाड़ी की कैसी कंडीशन है, जैसे जैसी गाड़ियाँ होगी हैवी रेंज में उसी हिसाब से उसके रेट भी होंगे। बट कुल मिला के अगर बात करें सर, बहुत बड़ी मार्केट है तो इन सबसे एक अच्छी प्राइस आपके पास मिलने वाली है लोगों को? ऐसा देखो बाजार है, बाजार में हर किसी के पास हर किस्म का माल होता है जी। ये नहीं कि कोई किसी पे क्या है किसी पे क्या है, जैसे जिस रेंज का बंदा आता है हम उस चीज को अवेलेबल करने की सोचते हैं कि हाँ जी ये चीज हमारे पास है, ये चीज हम आपको दे सकते हैं। अगर बाय टाइम मौके पे नहीं है तो हम उसको 1-2 दिन का टाइम मांगते हैं, उसको अरेंज करके दे देते हैं। ओके। यानी कि अगर कम बजट भी है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको हम गाड़ी दे पाए? बट अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या कम बजट है तो कुछ टाइम देने के बाद आपको अपने पसंद की गाड़ियां भी यहां से मिलने वाली है। तो ये जो पेपर वर्क वगैरह है सर, टोटल कितना टाइम लगता है कि अगर गाड़ी किसी को लेना हो तो? सर ऐसा उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके कब तक, अगर डॉक्यूमेंट रेडी है तो हैंड टू हैंड काम हो जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मतलब जैसे फाइनेंस का काम है, फाइनेंस में जैसे अप्रूवल हमने बैंक में कहीं डाला है जी, या प्राइवेट बैंक में कहीं डाला है, उसका हमें अप्रूवल मिलेगा, वहां से हम उनको आगे को जो भी लेने वाला होगा उनको हम डिलीवरी दे सकते हैं। ओके।